हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज मैंने लिट्टी चोखा का एक वीडियो शेयर करेंगे। लिट्टी चोखा बना रही है रिंकी दी, उसके लिए बैंगन का भरता, चौटू का गुड़ा, धनिया पात का चटनी, आटा गूंद के रखा है और दोनों में चौटू भरा के रखा है। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक रोटी लिया, रोटी के अंदर चौटू भराया, उसके बाद रोटी को गोल गोल घुमाया और चौटू को हाथ से प्रेस किया थोड़ा। देखिए देखने में कितना मज़ा लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। जब भी दीदी लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं, हम दोनों को बुलाते हैं या घर में भेज देते हैं। देखिए पूरा मोदक जैसे बन गया, उसको भी हाथ से गोल करके हल्का प्रेस करके सूखा आटा लगाया। उसके बाद आग में डाला है और बाद में उसको ढक दिया जल्दी होने के लिए, और गैस फ्लेम को मीडियम में रखा है। अभी देखते हैं रिंकी दी, एक साइड हो गया ना, और थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट तक लग जाता है ना। हाँ। नहीं भी लग सकता है, मतलब आग के ऊपर जितना बढ़ाएगा। और लिट्टी बना रही है रिंकी दी। रिंकी दी हाय बोलिए। ते हैं अभी हुआ कि नहीं। ओ, एक साइड तो हो गया थोड़ा। दीदी देखिए ना, एक साइड होने के बाद दूसरा साइड पालटी करते हैं ना, कि मैं ढाक दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं भी सीख रही हूँ। देखिए एक साइड अच्छे से छीज गया ना। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, कितना टाइम लगता है ऐसे सब फटफट के मुंह थोड़ा थोड़ा खोल देगा ना। अच्छा आप दोनों खा के बोलिएगा कैसा लग रहा है। अभी देखिए एक प्लेट में अच्छे से सजाया है, कटा हुआ प्याज और चिली एक साइड में, अचार, लिट्टी, बैंगन का भरता और धनिया पत्त का चटनी, और एक कटोरी घी। घी डालने से लिट्टी का स्वाद सॉफ्ट और खाने में टेस्टी होता है, इसलिए हमेशा लिट्टी में घी डाल के खाया जाता है।